एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, वो उन लोगों के लिए, उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जर्मनी नहीं आना चाहिए। तो 5 रीजंस व्हाई इंडियन शुड नॉट कम टू जर्मनी टू स्टडी। सो सबसे पहला पॉइंट, सिंस मैं यूट्यूबर हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और ऐसी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं जर्मनी की। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप को हमारी लाइफस्टाइल से ऐसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज हम वीडियोस बनाते हैं और हम बहुत ही खुश रहते हैं वीडियोस में तो आपको लगता है आप भी यहाँ पे आके बहुत खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं है, आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलानी है, आपको ऐसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मतलब मेरा काम है, मैं बोलती हूँ कि मैं हाँ इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं ये नहीं चाहती कि मेरी लाइफस्टाइल देख के आप कहीं ना कहीं ऐसी थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे हो कि भाई जर्मनी जाके पढ़ाएंगे एंड देन फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे और बहुत अच्छा है जर्मनी, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरे की लाइफस्टाइल से इम्पैक्ट नहीं होना है, अपना डिसीजन खुद लेना है। और भले ही मतलब कोई यूट्यूबर हो, आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो जो जर्मनी में रह रहा हो या किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा हो, उसको आपको ऐसे इम्पैक्ट नहीं करना है अपनी लाइफ में कि आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो किसी और की लाइफस्टाइल देख। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, फैक्ट्स हैं मेरे पास, जो मेरी अपनी स्टोरीज है मैं वो सब शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपका प्लान है एंड देन तब चीज़ें सिंक में हैं, तब आप जर्मनी आके ज़रूर पढ़ाई कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बिजनेसेस हैं ऑनलाइन जो जर्मनी को प्रमोट कर रहे हैं, और कई बार आप मान लीजिए कोई ऐसी कंसल्टेंसी है जो आपको बोल रही है कि भाई इस कंट्री में नहीं, आपको जर्मनी में जाना चाहिए, आप तब प्राइवेट जर्मनी में चले जाओ वहाँ पे। सो फॉर इंस्टेंस आप यही मान लीजिए, सिंस मैं यूट्यूबर हूँ, मैं दूसरों की बात ही नहीं करती, कि मेरा जब मेरा मूड अच्छा होता है तब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ एंड देन मैं अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ और फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ। नहीं, सब लोग 100% स्टोरी अपनी लाइफ की नहीं बताते। मेरी भी कुछ ऐसे मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है जिसके आगे मैं शेयर नहीं करती सब चीज़ें पब्लिकली। तो जब मेरा मूड अच्छा होता है मैं अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, मैं वही फोकस करती हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हूँ, निगेटिव क्यों नहीं दिखाती। अब निगेटिव मतलब मैं क्या दिखाऊँ, मैं परेशान हूँ, मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, या फिर मैं बीमार हूँ और एकदम बिल्कुल वैसे बेड पे लेटी हुई हूँ, तो मैं उसमें अभी मैं ऐसे इन डेप्थ बिल्कुल वैसी व्लॉगिंग में नहीं गई हूँ कि मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ। बट हाँ, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया से जर्मनी में। तो जस्ट बिकॉज आपको किसी के इंस्टाग्राम पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है कि भाई ये तो बहुत घूम रहा है, वाह क्या अच्छी लाइफ है, ये वो उस चीज़ को कंसिडर करके आपको अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर आके रिग्रेट करोगे। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 2-3 लोगों ने मुझे बोला है, मैंने इसे शेयर किया है कि उनको लगता था कि वो जर्मनी में आके खुश हो जाएंगे बट फिर वो नहीं हो रही है चीज़ें, वो बहुत ही लोनली है यहाँ पे, वो उनको बहुत अजीब सा लग रहा है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब बहुत ही जेन्युइन कंसर्न्स हैं और उनको अब वो इतना पैसा लगा के और इतनी मेहनत करके यहाँ आ गए, तो उनको अभी मैं दिलासा ही दे सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती हाँ भाई वापस चले जाओ, बट हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ता है इंटीग्रेट होने में, यहाँ की चीज़ें रहन सहन में बिल्कुल एक्सपीरियंस करने में, कितने यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करने में। तो ये मेरा बस पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस अपना वीज़ा कराना है, फ्लाइट टिकट कराने हैं एंड देन आपको सब चीज़ फ्री है, आप यहाँ पे मस्त इंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी ले लीजिए जर्मनी की, उसके अंदर सबसे पहले तो आपको अगर उनकी ट्यूशन फीस भी फ्री है, मतलब ट्यूशन फीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पूरी देनी पड़ती है अगर आपको कोई ऐसे स्पेशल स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिली है। इनफैक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं है और आपका एडमिशन हो जाता है, तो उस कोर्स की जिसमें भी आप पढ़ने आ रहे हैं उसकी ट्यूशन फीस हो सकती है फ्री, बट अगेन आपको उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट ब्लॉक अकाउंट का खर्चा मेंटेन करना है। जर्मन गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके पास कुछ पैसे हों सरवाइव करने के लिए फर्स्ट ईयर जर्मनी में, और ब्लॉक अकाउंट पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ तो मैं आज इन डेप्थ नहीं जाऊँगी। मेरा कंसर्न बस आज का ये है कि फ्री एजुकेशन नहीं है, आपके पास
आपकी लाइफस्टाइल जो भी है उस हिसाब से खर्चे मैनेज करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो उसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है जो कि ट्यूशन फीस के अलावा अलग से होता है। आपको खाने का देखना पड़ेगा, आपको रहने का देखना पड़ेगा, देन आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा जर्मनी में एज अ स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो अलग से ऑन टॉप ऑफ इट आती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि ये तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट को, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बट हाँ कई सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स भी हैं जो एस्पायर कर रहे होते हैं पढ़ने का, बट पेरेंट्स के पास उतना नहीं है, उतने स्टेबल नहीं है वो लोग फाइनेंशियली। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि भाई थोड़े से पैसे से भी इंतजाम हो जाएगा, बट नहीं ऐसा नहीं है। आपको ब्लॉक अकाउंट फर्स्ट ईयर का तो मेंटेन करना ही है, एंड देन मे बी आप ये भी सोचते होंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है स्टडिंग इन जर्मनी का, बट मेरे लिए है। और आई थिंक मेरे जैसे और सारे लोग भी होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि भाई अगर कोई अपने बच्चे को जर्मनी भेज रहा है तो उसके पास ऐसा ना हो कि भाई वहाँ पे खाने के नहीं है, पैसे नहीं है, और पैसे सारे खत्म हो गए हैं, और फिर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, और फिर वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसा डिल्यूजनल लाइफ नहीं अपनी आपको पिक्चराइज करनी है। आपका प्लान होना चाहिए प्रॉपर कि इतने पैसे हैं, आपका ये प्लान है, आप स्टेबल हो, आपकी फैमिली स्टेबल है, एंड देन आप जाके पढ़ाई कर सकते। फॉर इंस्टेंस इसमें भी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर मैं सोचूँ कि मैं अपना जब बैचलर स्टार्ट कर रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे सिंस मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो मुझे जर्मनी में भेज के पढ़ाएं। इवन इफ उस टाइम शायद 5 लाख या 7 लाख होता था कुछ ब्लॉक अकाउंट, तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी कि मैं फॉरेन एजुकेशन जाके लूँ एंड देन उसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं। हाँ अगर कोई मैं बहुत ही रिच फैमिली से होती, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है घर पे लोगों का, तो उनके लिए तो कोई डिफरेंस ही नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजे, वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेजे, या फिर वो इनफैक्ट किसी भी कंट्री में भेजे, वो आपको लंदन में भेजे, यूएस भेजे, या फिर वो जर्मनी भेजे। बट बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते जर्मनी में आके पढ़ना, एंड देन उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जर्मनी एजुकेशन भाई जर्मनी में फ्री है। सो नेक्स्ट जो मेरा थर्ड पॉइंट है उसमें मैं उन स्टूडेंट से एक अपील कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट को लेके बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, इनफैक्ट कमेंट्स भी आते हैं कि वो जर्मनी आके पढ़ना चाहते हैं बट दे आर नॉट फिनेंशली स्टेबल, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं, या फिर वो आके पढ़ना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स के पास मान लीजिए 2 लाख या 2.5 लाख है, तो वो क्या करें। तो मेरे पास ऐसे भी ईमेल्स आते हैं स्टूडेंट्स के, और मुझे बहुत ही, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ी वरिड भी हो जाती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए ज़्यादा कंसर्न होती हूँ कि उनका डिस्कशन कैसा होता होगा बच्चों के साथ, जब कोई पेरेंट मतलब मम्मी पापा आपको पैदा करते हैं एंड देन आपके लिए पूरा वो आपकी एजुकेशन देखते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, और आपकी ग्रेजुएशन वगैरह के लिए भी वो थोड़ा बहुत इंतजाम करके रखते हैं, बट अगर ये आपका ड्रीम है जर्मनी जाके पढ़ना, तो वो आपको फुलफिल करना है। आपको अपने पेरेंट्स को जाके नहीं परेशान करना है कि भाई मुझे लोन ला के दो, मुझे भेजो, मेरा दोस्त जा रहा है, या फिर आप वो देखो वो लोग वहां पे रहते हैं, कितनी अच्छी लाइफ है जर्मनी की, मुझे भी वो करना है। तो आपको ऐसे अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान करना है। और कई बार बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं और मैंने सबको यही समझाया है जिनको जिनको मैंने रिप्लाई दिया है कि आपको अगर बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, आप अपना इंडिया में एजुकेशन करो और उस डोमेन में करो जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आईटी, जो कि बहुत कॉमन है यहाँ पे आईटी वाले लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इनफैक्ट जितने भी इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशंस हैं यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, तो आप उसकी प्रिपरेशन इंडिया में ही कर लो, एंड देन उसके बाद आप जॉब करो, आप थोड़े पैसे सेव करो, फिर जाके आप लोन लो, फिर जाके आप सोचो कि भाई हायर एजुकेशन के लिए आप जर्मनी अप्लाई करते हो। ऐसे मत करो कि कोई किसी के पेरेंट्स इतने वैसे ही प्रेशर में हैं, आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, एंड देन आपका जब टाइम आया 12th क्लियर करने का, तो आप बस ऐसे जिद करने लगे कि इंटरनेशनली आपको एजुकेशन चाहिए, आपको अब्रॉड जाना है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली बोलूंगी कि उनको थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए।
क्योंकि वो ड्रीम आपका पढ़ना जो बाहर कंट्री में है, जो इंटरनेशनल आप एजुकेशन डिग्री लेना चाहते हो, वो आपका ड्रीम है, वो आपके पेरेंट्स का ड्रीम नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान मत करिए इस चीज़ में। एंड देन खुद बहुत ही पॉसिबल है अगर आप वर्क एक्सपीरियंस भी ले लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक किया एंड आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लिया अच्छा खासा, क्या पता आपकी कंपनी आपको ऑन साइट भेज दे जर्मनी या फिर किसी और कंट्री, या फिर आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है 3-4 साल का कि आप जॉब सीकर वीज़ा लेके आ सकते हो, या फिर आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो जॉब्स एंड आपको जॉब मिल गई है ना, आप वहाँ से तब फ्लाई करके आ रहे हो, तो आपका ड्रीम तो फुलफिल हो गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ भी बतानी चाहिए। ऐसी चीज़ें लोग बोलते नहीं हैं, लोग शेयर नहीं करते हैं और फैमिली में थोड़े मन मुटाव चल रहे होते हैं। बट मुझे लगा कि सिंस मैं वीडियोस बनाती हूँ और ये एक जेन्युइन रीज़न है तो ये भी मुझे शेयर करना चाहिए। और इसी पे एक एडिशनल सब पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि वो लोन लेके जाके पढ़ सकते हैं, तो स्टूडेंट लोन में पहले तो प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोन मिल भी जा रहा है, तो आप ये सोचते हो कि वहाँ पे जाएंगे और पढ़ाई करेंगे एंड देन जॉब करेंगे एंड देन अपना लोन पूरा कर देंगे। अगर सब चीज़ सही रही, सब चीज़ पॉजिटिव होती रही, तो ये चीज़ पॉसिबल है। बट इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे स्टूडेंट लोन जो होता है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। देन जब आप जर्मनी आते हो तो आप फुल टाइम जॉब तो नहीं कर सकते पढ़ाई के साथ, आपको जो है सिर्फ 20 आवर्स पर वीक का ही टाइम मिलता है, वो भी अगर आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए आते हो, मतलब जो बैचलर्स का प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है बैचलर से पहले वाला 1 साल का, उसमें तो आप जॉब ही नहीं कर सकते, कोई भी पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है। आपको कोई बहुत बड़ा सेमेस्टर ब्रेक या कुछ ऐसा होता है तब शायद परमिशन मिल जाती है। बट अगर आप कंपेयर करो कि एक बैचलर्स का स्टूडेंट या फिर एक मास्टर्स स्टूडेंट जितनी जॉब कर सकता है 1 वीक में, जो कि 20 आवर्स है, वो आप प्रिपरेटरी कोर्स में नहीं कर सकते। तो अगर आप लोन लेके भी आते हो तो ये सोचो कि कैसे चुकता होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स लगती है स्टूडेंट्स की, बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स कम है जिनको उनकी स्किल वाली जॉब मिलती है। मतलब अगर आप कुछ जो कोर्स करने आए हैं उससे रिलेटेड आपको वर्क स्टूडेंट जॉब या फिर कोई ऐसी और जॉब मिल गई जो कि आप पढ़ाई कर रहे हो उसी रिलेटेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मजबूरी में अपना खर्चा निकालने के लिए, अपना लोन पे करने के लिए बहुत ही और जॉब्स भी करते हैं, जैसे डिलीवरी की जॉब हो गई, रेस्टोरेंट में जॉब हो गई। इनफैक्ट जो इसका मिनिमम वेज भी चल रहा है जर्मनी में, जो अभी मैंने डेटा देखा, वो कुछ 12 यूरो पर घंटे का है। तो मतलब अगर आप, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई एक एवरेज पार्ट टाइम जॉब लग गई किसी भी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी ऐसे फूड डिलीवरी सर्विसेज में, तो आपको 1 घंटे का 12 यूरो मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी कंपनी में लग गई तो वो तो बेस्ट केस है, बट वो बेस्ट केस सिनेरियो को लेके हमें अपनी लाइफ नहीं डिसाइड करनी चाहिए। हमें दोनों बैलेंस आउट करके चलना चाहिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है और ऐसा निगेटिव भी हो सकता है। तो आप फिर इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कहीं आप कैशियर भी बन गए, इनफैक्ट टेडी वगैरह में जॉब लगती है, तो आप 1 हफ्ते में कितना कमा सकते हैं एंड देन आपका महीने का कितना खर्चा निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि उन इंडियन स्टूडेंट्स को जर्मनी नहीं आना चाहिए जिनको लगता है कि उनका बिना जर्मन के काम हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भी अगर एनरोल करना चाहते हो, जर्मन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। अगर आपको एजुकेशन में नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जब आप जॉब ढूंढने निकलोगे तब ज़रूर इम्पैक्ट। और फिर जितने भी आपने सपने ऐसे सोच रखे थे कि जॉब में ये करेंगे वो करेंगे, इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा थोड़ा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी जॉब भी लग जाती है, तो जब आपको पीआर अप्लाई करना पड़ेगा तब भी आपको जर्मन चाहिए होगी। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जर्मन सीखनी ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा यहाँ पे रहना एंड सर्वाइव करना। और आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए जर्मन चाहिए होती है, और कई बार ऐसे भी थॉट्स हो सकती है कि भाई मुझे तो फ्रेंड्स ही नहीं बनाना, मुझे जो है जर्मन्स के साथ हैंग आउट नहीं करना, मुझे दूसरे एक्सपैट्स के साथ हैंग आउट नहीं करना, तो मुझे क्यों जर्मन चाहिए। तो जर्मन चाहिए क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए इंटीग्रेट, मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप किसी के साथ पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। इंटीग्रेट मतलब ये होता है कि अगर आपका वाईफाई खराब हो गया है तो आप कस्टमर केयर को फोन करके उनसे बात कर रहे हो। इंटीग्रेट का ये भी मतलब होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है
तो आपको जब अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर से, डेंटिस्ट से, तो आप उनको रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हो और आपको जर्मन में बात करके अपॉइंटमेंट लेनी है। और इनफैक्ट जब आप शॉपिंग करने भी जाते हो तो अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर कोई छोटा शहर है तो वहाँ पे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ भी आपको ऐसा चाहिए, तो अपनी बात समझाने के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। तो अगर जर्मन नहीं सीखनी है तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है। अगर आप रेडी हो जर्मन सीखने के लिए तो फिर आप मोस्ट वेलकम। देन जो लास्ट पॉइंट है आज की इस वीडियो का, और मुझे लगता है मैं काफ़ी अभी तक बहुत ज़्यादा बोल लिया है मैंने ऑलरेडी, तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ही है, अगर आपको लगता है कि जर्मनी आके आप बहुत रिच हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो फिर आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके, जबकि यहाँ का टैक्स इतना ज़्यादा है, कोई रिच हो सकता है। हाँ, अगर सेम सैलरी मुझे पूरा जो मेरा पैकेज है ग्रॉस वाला वो अगर इंडिया बैठे बैठे मिल रहा होता तो मैं भले ही रिच हो सकती थी, बट टैक्स वैक्स कटने के बाद जो सैलरी मुझे मिलती है मैं रिच नहीं हो सकती। एंड वही मैं हैप्पीनेस के लिए भी बोलूँगी कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपको, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, मतलब आप अपना काम खुद से नहीं कर सकते, आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर अपने सारे काम के लिए या फिर कुछ काम के लिए, और आपने आज तक अपने लिए कोई एक प्लेट एक टाइम की मील नहीं बनाई है और आपको आता भी नहीं है एंड आप सीखना भी नहीं चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, आप ऐसे सोचो कि आपकी दुनिया बदल गई, बिल्कुल जज्बात बदल गए कि ये क्या हो गया यहाँ पे, तो आके हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, बहुत ही हैप्पीनेस है यहाँ पे, यहाँ के हवा में बिल्कुल खुशी है, बट यहाँ पे तो आके बिल्कुल अलग मुझे शॉक लग रहा है। तो अगर आप ऐसे हैप्पीनेस और सक्सेसफुल होना कंसिडर करते हो तो आपकी अपनी एक डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी कि आपके लिए हैप्पीनेस एंड सक्सेस क्या है। अगर आप इंडिया में ही खुश हो अपने जॉब के साथ, अपने फैमिली के साथ, और आपको लगता है कि भाई आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है फिर यहाँ पे आने की। सो वैसे ही सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सक्सेस की, और ऐसा नहीं होता कि जर्मनी में जैसे ही आप लैंड करोगे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता रहेगा, जॉब स्विच करोगे तो बहुत हाइक मिल जाएगी। इनफैक्ट मतलब मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ कि अगर यहाँ पे हम देखते भी हैं कि भाई कितनी जॉब स्विच होने पे कितना इंक्रीमेंट होता है, बहुत ऐसे कम लोग होते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट भी मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मैंने देखा है अगर वो एक कंपनी में चले जाते हैं, मोस्टली जर्मन्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो एक कंपनी में चले जाते हैं उनको लगता है भाई काम अच्छा है, उनकी लाइफ अच्छी है और सब चीज़ सही है, माहौल सही है, कंपनी अच्छी है, तो फिर वो कई बार रिटायर भी होते हैं उस कंपनी से, वैसे स्विच नहीं कर रहे होते। सो बैक टू जो मैं आपको सेल्फ सफिशिएंट वाला बोल रही थी कि अगर आपको चीज़ें नहीं आती है खुद से करना एंड आप खुद अकेले नहीं रह पाते हो, आप खुद ऐसे सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, आप जो है वो आपको चाहिए कि भाई आपके साथ कोई हो, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी यहाँ पे आने से पहले, एंड माइंड प्रिपेयर करना होगा कि जब आप नए कंट्री में जा रहे हो आपको उनका कल्चर भी अपनाना है, आपको नए दोस्त भी बनाने हैं, दोस्त मतलब जब आप इनफैक्ट 25-26 साल के हो, जबकि आपने पूरी आपको लगता है कि बहुत ज़िंदगी जी ली इंडिया में, यहाँ पे वापस से किक स्टार्ट करना है, नए दोस्त बनाने हैं जिनके साथ वाइब्स मैच हो रही हैं आपकी, एंड देन फिर आपको खाना बनाने नहीं आता तो आपको खाना बनाना भी पड़ेगा, और मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो काफ़ी स्ट्रगल हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो इस पॉइंट को अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि वो स्टूडेंट जर्मनी ना आए जिनको ऐसा लगता है कि जर्मनी जाके वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी एंड लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट है, मुझे नहीं पता कि ये कितने पॉइंट, इनमें से कितने पॉइंट आपको पसंद आएंगे और कौन से पॉइंट आपको नहीं पसंद आएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे मैंने क्रिटिकली बोला है कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हाँ आप तो जर्मनी में रहते हो और आप तो अब ऐसे ही नेगेटिव बोलोगे, बट नहीं, मेरा काम है कि जो जो मैंने चीज़ें फील की हैं और वो मैं बताऊँ। सो इसीलिए मैंने ये वाला भी टॉपिक चूज़ किया कि मैं जो सोचती हूँ और जो मेरे आसपास चीज़ें चल रही हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँ, बाकी डिसीजन आप ही को लेना है और इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है कि
अगर मैंने बोल दिया तो आपको वो करना ही करना है, आपको सोचना है बस, एंड देन डिसाइड करना है। सो ये वीडियो उन लोगों से शेयर कीजिए जो जर्मनी आना चाहते हैं, आके वहाँ की पढ़ाई करना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।